फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब सेफ होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बार फिर से किचन के कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके किचन को ऑर्गेनाइज करने में भी आपकी हेल्प करेंगी। देखने में भी बहुत प्यारे प्यारे हैं और चीज़ें बहुत यूज़फुल भी हैं। तो आई एम श्योर आपको पसंद आएगा आज का वीडियो। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। एंड अगर आपने अभी तक मीशो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मीशो ऐप का लिंक मिल जाएगा। मेरे दिए हुए लिंक से आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पर कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मेरे दिए हुए लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है एक बहुत ही अमेजिंग सा जार है जो कि सिरेमिक मटेरियल में है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का। ये सेट ऑफ टू में हमने मंगाया है। ये टू पीसेस ही थे और 723 रुपीज़ का है ये दोनों। साइज़ इसकी है 1000 ml, 1 लीटर इसकी साइज़ है। आप जो भी डालेंगे 1 लीटर आराम से डाल सकते हो। आप यहाँ देखेंगे तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। कलर इतना प्यारा कलर है ना, पेस्टल कलर है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ऐसे कलर्स ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं घर में रखे हुए। तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। आप पिकल्स रखना चाहें या फिर आप कोई मसाला रखना चाहें या फिर आप बाहर इसको एज अ डेकोर भी रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इसका लिड दिया गया है और ये है जो जार है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, प्राइस भी बहुत रीजनेबल लगा मेरे को। 725 का आई थिंक ठीक है। बाहर लेंगे तो मे बी महंगा मिल सकता है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन ऑनलाइन मेरे को लगता है ये सही प्राइस है। क्वालिटी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। इसमें शायद कलर नहीं था, ये एक ही था, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा फिर भी, लेकिन हम बोलेंगे आपको आप यही कलर लेना, काफ़ी प्यारा। नेक्स्ट है एक और सिरेमिक आइटम ही है। ये एक बहुत ही अच्छे अच्छे मग्स हैं। ये काफ़ी लंबे लंबे मग्स हैं, आप ये देख सकते हो। ऐसा मग हमने पहली बार ही देखा है जो इतने लंबे हैं। मतलब काफ़ी अच्छा पैटर्न है इसका, देखने में काफ़ी यूनिक सा लगा ये मेरे को। ये आप दूध के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। जो आप दूध पीते हैं तो फिर इसमें पी सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सिरेमिक मटेरियल है तो आपको पता ही है, वैसे ऑलमोस्ट सिरेमिक तो एक जैसी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा आया हुआ है डिज़ाइन इसका, कुछ इस तरह से है, आप ये देख सकते हो। इसमें भी शायद कलर ऑप्शंस आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा पीस है। इसको आप एज अ डेकोर अगेन रख सकते हो। अगर आप कलेक्शन रखते हो मग्स के, कप्स के, तो आप ये भी ज़रूर ऐड कर लेना। इसमें काफ़ी अच्छा पीस है ये, इसलिए हम आपको ये भी रिकमेंड ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट पीस। अब हम आपको दिखाते हैं ऑर्गेनाइज़र वाला प्रोडक्ट। तो ये देखिए, ये एक इस तरह का शेल्फ मंगाया है हमने। ये काफ़ी अच्छा शेल्फ है, रैक है, 2 टायर रैक है। तो ये देख सकते हो, किचन में यूज़ कर सकते हो आप इसको, अपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हो। मतलब ये ऐसे रैक्स हैं जो मल्टी यूज़ प्रोडक्ट हैं, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। किचन में छोटे छोटे कंटेनर्स रखने के लिए, जार्स रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप छोटे छोटे कप्स, आपके टी कप्स होते हैं, वो भी रख सकते हो, या फिर आपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हो, या फिर एज अ डेकोर यूज़ कर रहे हो तो आप इसके ऊपर बुक्स रख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगे, ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो। वैसे तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मटेरियल की बात करें तो स्ट्रांग है, क्वालिटी एकदम सॉलिड है, स्ट्रांग मेटल मटेरियल में है, आयरन है ये। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह का मिलेगा। ब्लैक ही था ये और ब्लैक काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। और ना इसमें कोई चीज़ रखोगे तो इसमें गिरने का भी डर नहीं है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इसमें ना दिया गया है ऊपर यहाँ पे और पीछे की तरफ भी, तो गिरेगा भी बिल्कुल नहीं, बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इसको वॉल में लगाना चाहते हैं तो भी यहाँ होल्स दिए गए हैं, तो आप वॉल में भी इसको आराम से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा है, क्यूट सा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं है। प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये भी हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है एक इस तरह का ना क्या बोलते हैं इसको, सेक्शंस वाले कंटेनर है। तो ये तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं अलग अलग तरह में। तो ये एक और तरह का हमने मंगाया है और इसमें बने हुए हैं 4 सेक्शंस, ठीक है। एक एक सेक्शन में 1/2 किलो आइटम आराम से आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम आप डिटेल में बताएं, हम आपको बता देते हैं कि ये डिफेक्टेड आ गया है मेरे को। ये एक लिड ना यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ आपको दिखेगा नहीं। और ना इसमें एक प्रॉब्लम और हम फेस कर रहे हैं कि हम इसको बहुत ज़्यादा आराम से बंद नहीं कर पा रहे। मतलब एकदम ऐसे नहीं कि
प्रेशर नहीं पड़ रहा। देखिए ये आराम से बंद हो गया, ये वाला देखो अब हाँ ये भी बंद हो गया, ये वाला फोर्थ वाला, हाँ ये वाला ग्रीन वाला बंद नहीं हो रहा था। हमने काफ़ी इसको कोशिश की तो फाइनली अगर बंद हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइट है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है मेरे को इसको बंद करने के लिए ना। अभी तो खैर खाली है तो इसमें आप कितना भी जोर लगा लोगे, लेकिन चीज़ें रहती हैं तो बहुत ज़्यादा इसको हम नहीं कर सकते ना। लेकिन बंद हो जाएगा तो बहुत अच्छे से बंद हो रहा है, टाइट हो जा रहा है एकदम, तो आप देख लीजिएगा। वैसे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है प्लास्टिक की, तो ये मेरे को टूटा हुआ आया है, आपको टूटा हुआ आएगा ज़रूरी नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा ना इसको बंद करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी जो अच्छी बात थी वो भी हमने आपको बता दी, और जो एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो भी हम डेफिनेटली आपको बताना चाहते थे, इसलिए हमने बता दिया है। अब आप देख लीजिएगा, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है प्लास्टिक की, लेकिन लिड्स बहुत आराम से बंद नहीं हो रहा है। फाइनली हम यही बोलना चाहते हैं आपको, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो लास्ट आइटम है ये है कुछ इस तरह का, अगेन एक मल्टी यूज़ प्रोडक्ट। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का है, आयरन मटेरियल में है, लाइट वेट है, इसमें आप इसको भी आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कप्स हैंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको बेडरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने वार्डरोब के पास जहाँ पे आप इसमें बेल्ट्स हैंग कर सकते हैं, आपके हैंडबैग्स हैंग कर सकते हैं। तो ऑल ओवर मल्टी यूज़ प्रोडक्ट है, बहुत जगह आप इसके साथ काम कर सकते हैं, मतलब काफ़ी काम आने वाली प्रोडक्ट है। क्वालिटी अब हम आपको बता देते हैं, तो देखिए क्वालिटी अच्छी है इसकी, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, लेकिन मटेरियल थोड़ी लाइट है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, क्योंकि देखिए इसको हैंग करना है आपको, वॉल में रोकना है, तो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये भी डेफिनेटली हम आपको रेकमेंड करेंगे, ऐसे ऐसी चीज़ें ना आपके घर को काफ़ी ऑर्गेनाइज कर देती हैं, आई एम श्योर आप भी इस चीज़ को मानेंगे। मतलब जो बेल्ट्स हो गए, बैग्स हो गए, अगर हमारे पास ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजर नहीं है तो हम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक टांग के रखते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी मैसी लगता है वो एरिया। तो अगर आप उसको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें कितनी लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 12 हैं, 12 चीज़ें हैंग कर सकते हैं आप इसमें। बैग्स हैं तो आप एक एक दो दो भी हैंग कर सकते हैं एक साथ, और बेल्ट्स हैं तो आप 3-4 भी एक साथ हैंग कर लो, तो इतनी जगह है इसमें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक हुक में एक ही चीज़ हैंग करोगे, आपकी मर्जी है, आप जितना हैंग करना चाहते हो कर सकते हो। ऑल ओवर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, डेफिनेटली रिकमेंडेड है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही था मेरा आज का लास्ट प्रोडक्ट, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा आज का वीडियो। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं बेफिक्र होकर ले लीजिएगा, लेकिन बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, देख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको एकदम पक्का एकदम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि मतलब आप खरीदिए ही, वो इसलिए क्योंकि लिड का प्रॉब्लम है, फिर भी आपको पसंद आ रहा है क्योंकि है काफ़ी प्यारा, देखने में भी अच्छा है और स्पेस सेविंग भी है। आपके किचन में जो अलग अलग जार्स में आप 4 चीज़ें रखते होंगे तो इसमें एक में ही 4 चीज़ें आ जाएंगी, और इसके अंदर के हमने सेक्शंस नहीं दिखाई, सॉरी हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये कुछ इस तरह के सेक्शंस हैं, और अगर आप सिंगल यूज़ करना चाहते हैं सिंगल कंटेनर तो आप इनको निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा सा एक बन गया है, और इसमें आराम से 2 kg कोई भी आइटम आ जाएगा। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिड का प्रॉब्लम है। अगर आप मंगा लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि हाँ आप फेस कर रहे हो ये प्रॉब्लम जो मेरे में है, तो फिर आप रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको आराम से रिटर्न हो जाएगा विद इन 7 days, तो आप वो भी कर सकते हैं। फाइनली प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप चेकआउट करिएगा। तो बस यही था आज का प्रोडक्ट, आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।